वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी। सहारनपुर में आज परशुराम जयंती मनाई जा रही है, लेकिन इस मौके पर आज बड़ी संख्या में जो है ब्राह्मण समाज जो है वो एक मंच पर यहाँ पर एकजुट हुआ है और सहारनपुर जनमंच सभागार में ये कार्यक्रम चल रहा है और मंच पर बड़ी संख्या में तो ब्राह्मण समाज के जो नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद, इसके अलावा जो संत समाज है वो भी यहाँ पर मौजूद है। अभी मंच पर जब वक्ता बयान दे रहे तो कहीं ना कहीं वहाँ पर उन्होंने एक अपनी टीस जरूर जाहिर की है। साफ तौर पर मंच से यही कहता नजर आ रहे थे कि जब चुनाव चल रहे हैं, चार चुनाव हो चुके हैं, सबने दलित, अल्पसंख्यक, ठाकुर या गुजर समाज सभी को लेकर बातचीत की है, लेकिन ब्राह्मण समाज को लेकर बातचीत नहीं हो, तो कहीं ना कहीं उसकी टीस जो है वो कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज में आज देखने को मिली है। और मंच पर यहाँ पर जो वक्ता थे उन्होंने कहीं ना कहीं अपना दुख जो है वो जाहिर किया है। बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम के अंदर ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, उनसे हम यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और बड़ा ये कार्यक्रम है और काफ़ी संख्या में जो है लोग वक्ता यहाँ पर आए हुए हैं, कहीं ना कहीं एक टीस उन्होंने जाहिर की थी कि चुनाव के दौरान पूछा नहीं गया है यहाँ पर ब्राह्मण समाज के लोग हैं। ये बताइए, अभी मंच पर जब वक्ता अपना बयान दे रहे थे, कह रहे थे कि जब चुनाव चल रहे थे तो दलित, अल्पसंख्यक इन सभी को पूछा जा रहा था, लेकिन ब्राह्मणों की कोई आवाज़ नहीं कर रहा था, ब्राह्मणों के लिए कोई बोल नहीं रहा था। अरे ब्राह्मण तो अपना आप ही बोल रहा है ना, तो जो तीन किसी की अच्छा बस क्या कह जी, बस आपको जितनी तो बीजेपी का तो सबको ही पता, बीजेपी के साथ ही है ब्राह्मण समाज, इनमें से कोई भी बिना बीजेपी का नहीं होगा, किसी से भी पूछ लो। ठीक है, लेकिन कुछ जो कुछ नेता हैं अलग से, वो अलग दल के भी यहाँ पर आए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो कह रहे थे कि जब चुनाव चल रहे थे तो दूसरी जातियों को पूछा जा रहा था, लेकिन ब्राह्मणों का कोई नाम नहीं ले रहा था। अरे ऐसा कुछ नहीं, ऐसा सब कुछ है, सबसे बड़ी बात है बस जो भी है सर। चलिए, ये शायद सक्षम नहीं है बोलने के लिए, आप क्या कहेंगे सर? हाँ जी, क्या जिस तरह से अभी मंच पर कहा जा रहा था कि जब चुनाव चल रहे थे तो सभी को पूछा जा रहा था लेकिन ब्राह्मणों को नहीं पूछा जा रहा था, ये तो गलत अफवाह फैला रखी थी जी। देखो ब्राह्मण तो सर्वोपरि है, ये तो सबको पता है, ब्राह्मण आज भी उच्च पद पे है, हर जगह है, और ब्राह्मणों के बिना देखो सरकार नहीं चल सकती, ये सबको पता है। आज भी आपने देख लिया होगा संगठित है ब्राह्मण, तो कितनी अच्छी भीड़ से आज शोभा यात्रा भव्य निकाली है, तो ये प्रमाण है कि ब्राह्मण कहीं नहीं टूटे हुए हैं, सब एक है और साथ है। ये जो भ्रम फैला रहे हैं अन्य पार्टियाँ, ये इनका दिमाग का मानसिक संतुलन दिखाता है किस तरह का है, ब्राह्मण एक है और हर सत्ता में ब्राह्मण है और रहेंगे। क्या संगठित है ब्राह्मण? बिल्कुल पूरी तरह, मैं तो कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन ब्राह्मण एकता जिंदाबाद। ठीक है, आप क्या कहेंगे, क्या कहेंगे ब्राह्मण एकता जिंदाबाद? थाना भवन के गांव खानपुर में 26 तारीख को प्रोग्राम है, भगवान परशुराम की प्रतिमा स्थापित कराई गई थी अभी पिछली बार में, अब की बार हमारे प्रोग्राम क्या है वहाँ पे, ये कहना चाहेंगे सभी को 26 तारीख को। हम ये पूछ रहे हैं कि क्या ब्राह्मण संगठित हैं, एक जगह एकजुट हो चुका है? क्यों नहीं है? आप अंदर देख लीजिए, आप अंदर जाके देखो, ये इतनी भीड़ ऐसे थोड़ी इकट्ठी हो गई, आज रोड पे देखो सहारनपुर के जगह सहारनपुर जाम कर दिया ब्राह्मणों ने। तो ये भ्रम फैलाया जाता है कि ब्राह्मण एकजुट नहीं है इस समय, कौन कहता ब्राह्मण? जो कहता है मेरे पास लाओ, उनको अंदर ले जाओ, ब्राह्मण एकजुट क्यों नहीं है? अंदर की भीड़ देखो और ये जनता देखो, सहारनपुर जाम कर दिया ब्राह्मणों ने। अच्छा, अभी जब मंच पर हमने सुना है कुछ लोग थे जो कह रहे थे कि जब चुनाव चल रहे थे तो तमाम जातियों को पूछा गया लेकिन ब्राह्मणों को नहीं पूछा गया। नहीं पूछा गया, पूछा गया, पूछा गया। अच्छा, सम्मान मिल रहा है? पूरा सम्मान मिल रहा है, पूरा सम्मान। अच्छा, जो हर पार्टी मिला ना, इन्हें पूरा सम्मान मिल रहा। अच्छा हाँ, हाँ सही तरीके से सम्मान, ब्राह्मण एक है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे चार चरण हुए अभी चुनाव के, तो ब्राह्मण कहाँ गया होगा चुनाव में, किसको वोट दिया होगा? भाजपा पे, भाजपा पे है, खुले हम भाजपा पे है। अच्छा हाँ, खुले हम भाजपा पे है। चलिए, और लोग भी यहाँ पर, उनसे बातचीत करेंगे, क्या कहेंगे आप? पूरे उत्तर प्रदेश के जितना ब्राह्मण समाज के लोग हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों का वोट भाजपा में गया है, सहारनपुर के जितने ब्राह्मणों का वोट है सारा भाजपा को गया है। ब्राह्मण संगठित है, ब्राह्मण अपने धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य करता है और ब्राह्मण अपने राष्ट्र धर्म के लिए हमेशा अग्रसर रहता है। ब्राह्मणों ने खुल के भाजपा का समर्थन किया है और 4 जून को यहाँ पर भारी मतों से राघव लखनपाल शर्मा हमारे बड़े भाई जीत रहे हैं। जय दादा परशुराम। अभी 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 2 चरण और हैं उत्तर प्रदेश में, 1 चरण में कल भी चुनाव होना है, तो क्या लग रहा है कि एकजुट रहेगा ब्राह्मण, कहीं बटेगा तो नहीं? जी बिल्कुल, एकजुट रहेगा, कहीं नहीं जाएगा ब्राह्मणों का वोट,
भाजपा को ही जाएगा और भाजपा के अलावा कहीं नहीं जाएगा। ब्राह्मण, मैंने जैसे पहले कहा, ब्राह्मण अपने राजधर्म को आगे बढ़ाने का अग्रसर करता है। चाहे वो इतिहास को उठाकर देख लो, ब्राह्मणों में एक से क्रांतिकारी हुए हैं मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई। अगर हम चाहें तो उनकी भी शोभा यात्रा निकाल सकते हैं, पर हम जो हमारे छठे विष्णु जी के छठे अवतार, उनकी यात्रा निकालते हैं। ब्राह्मणों का इतिहास में हर टाइम योगदान रहा है। ब्राह्मण हमेशा धर्म को आगे बढ़ाने का ही कार्य करता है। तो यहाँ पर और लोगों से भी हम आगे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अभी तक जो यहाँ पर मिले हैं उनसे साफ तौर पर बातचीत हुई, तो कहीं ना कहीं कहने की जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि ब्राह्मण एकजुट नहीं है, तो ब्राह्मण संगठित है। शायद यही वजह कि आज प्रोग्राम जो है एक बड़ा प्रोग्राम सहारनपुर में रखा गया, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आगे और लोगों से हम बातचीत भी यहाँ पर करेंगे जो आज सहारनपुर में परशुराम जयंती मनाने के लिए यहाँ पर है। कहाँ से आए हैं आप? काजी बांस। अच्छा, आज क्या संदेश देके जा रहे हैं यहाँ से? संदेश ये देके जा रहे हैं अपने भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव में जितनी ब्राह्मण समाज इकट्ठा हुआ है, ये हमेशा रहना चाहिए। जी चलिए, यहाँ पर और लोग भी हैं ब्राह्मण समाज से, उनसे बात करेंगे। नमस्कार भाई साहब। प्रणाम प्रणाम सम्मानित भाई साहब। अच्छा, आज आप सम्मेलन में यहाँ पे कार्यक्रम में आए हैं, परशुराम जयंती मनाई जा रही है, एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि ब्राह्मण भी एक नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा तिथि को लेकर कुछ आपस में अव्यवस्था थी, उसका निर्धारण हो चुका है। भविष्य में अक्षय तृतीया से ही प्रारंभ होगा भगवान परशुराम का जन्मोत्सव। उस तिथि के लेकर अतिरिक्त कोई किसी प्रकार की विषय पर जब वक्ता थे, बोल रहे थे, तो एडवोकेट साहब ने कहा कि चुनाव चार चरण के हो गए, लेकिन किसी ने ब्राह्मण की बात नहीं करी अभी तक। दलित, अल्पसंख्यक, क्षत्रिय, ये सब चलता रहा, लेकिन ब्राह्मण को किसने नहीं पूछा। निश्चित रूप से ब्राह्मणों को एकत्रित होने की आवश्यकता है, और इस ऊर्जा ब्राह्मण को अपनी ऊर्जा को पहचानना पड़ेगा। जिस प्रकार से ध्रुव जो है सिर्फ अपने पिता का गोद में बैठने का उत्तराधिकारी नहीं था, वो भगवान विष्णु की गोद में बैठा, ऐसे ही ब्रह्म शक्तियां हैं, उनका स्थान बहुत श्रेष्ठ है। उन्हें अपनी शक्तियों को जागृत करके पहचानना होगा कि उनका स्थान कितना श्रेष्ठ है, और वो अभी तक नहीं है समाज में। तो समय के साथ परिवर्तन सुनिश्चित है, जब तक धर्मगुरु आगे नहीं आएंगे, क्योंकि ईश्वर का प्रतिनिधित्व धर्मगुरु कर रहे हैं, और धर्मगुरु के पार्षद हम लोग बनकर सेवा करेंगे, तो निश्चित रूप से क्रांति। ब्राह्मणों को कहा जाता है कि समाज को दिशा देने का काम करते हैं, तो क्या अभी अपने ही समाज को क्या हम लोग दिशा नहीं दे पा रहे हैं? ये बस मैं आपकी स्वीकार करता हूँ कि पहले हमें अपने बच्चों को इनिशियली स्टेज से संस्कार शालाएं चलानी पड़ेगी, उन्हें अपने शास्त्रों के बारे में, जो हमारा शास्त्र, जो हमारा ग्रंथ विलुप्त हो चुके थे, ब्राह्मणों ने जिनको अपने जनेऊ और लहू से सने जनेऊ से बचाया है, जिन ग्रंथों को, उनको यदि हम अपने जनमानस तक नहीं पहुँचा पाएंगे, तब तक अपने धर्म की रक्षा नहीं हो सकती। ब्राह्मण जो है धर्म का एक सूचक है। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं आज ब्राह्मण जो है एकजुट हुए हैं सहारनपुर में, और कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। तो जो कहा जा रहा था कि ब्राह्मण जो है वो बटा हुआ है, तो एक संदेश देने की कोशिश है। इसके अलावा लोगों ने इस कार्यक्रम में एक चिंता जरूर जाहिर की है, साफ तौर पर यही कहा कि चार चरण के चुनाव हो चुके हैं, लेकिन तमाम जातियों को पूछा गया, लेकिन ब्राह्मण समाज को किसी ने नहीं पूछा, और कहीं ना कहीं वो ठेस जो है, वो टीस जो है, वो उनके मन में यहाँ पर दिखाई दिए। इसके अलावा जो समाज के लोग हैं, उन्होंने साफ तौर पर एक यही संदेश दिया है कि हम एकजुट हैं और आगे भी एकजुट रहेंगे। TV9 UP के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। V-Guard presents कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।